भारत के फैंस वहां पर पार्टी शुरू हो चुकी है मेलबर्न में। अपील में पांच अभी भी फ्री हिट है। और यहाँ पर क्या ये रन मिलेगी इसके बारे में चर्चा। चर्चा की जा रही है क्या दो बेले दो रन पीएफ का होल्ड आउट नहीं हो सकते ये बात तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। क्या पारी खेली क्या कमाल पारी खेली यादगार पारी खेली है ये उसके बाद फिर वही चाहिए थे दो खेले दो रन क्या बात है और फिनिश करने के लिए द फिनिशर सिर्फ इसी भूमिका के लिए ही तो दिनेश कार्तिक का चयन हुआ है। दिनेश कार्तिक क्या करेंगे क्योंकि फील्ड ऑब्वियसली अंदर लेके आएंगे एक्स्ट्रा फील्डर होगा विकेटकीपर भी आगे आ चुका है अब तक कोई अतिरिक्त फील्ड हमें दिखता नहीं है दायरे के अंदर तो मौका है और विराट कोहली उनसे यही बातचीत करेंगे कि कहां आप धीमी गति से गेंद को प्लेस करके तो भाग सकते हैं। भारत को चाहिए दो रन दो गेंद में दो गेंदे दो रन। मोहम्मद नवाज सामने दिनेश कार्तिक इनसाइड आउट ओवर कवास पिछली बार नहीं मानेंगे आखिरी गेंद पर एक रन चाहिए एक दिन है वही है Thank you. I'm going to need to see your best side on angle, please. Keep that rolling through, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. I'm ready with my decision for the big screen. एक गेंद पे अब दो रन चाहिए एक रन मिलेगा तो सुपर ओवर है दो है तो भारत की जीत है। रविचंद्रन अश्विन एश फॉर विन नाम में है विन लेकिन क्या विन यहाँ वो दिला पाएंगे भारत को थोड़ा बच्चे में संजय गौतम क्या लगता है दो भागने को देखेंगे बाउंड्री मारने का प्रयास नहीं करेंगे चारों फील्डर बाहर होंगे और पाकिस्तान के जो फील्डर्स होंगे पता है वो थ्रो करेंगे विकेट कीपर की तरफ अश्विन जिस एंड के ऊपर है उस एंड के ऊपर थ्रो करने का प्रयास करेंगे ये रोमांच है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये थ्रिलर है। सुपर ओवरलोडिंग एक गेंद दो रन इससे पहले सिर्फ तीन हुए हैं सुपर ओवर टाइट गेम्स रादर
again. बगैर कोई खेले हुए बहुत कुछ खेला रन चाहिए एक गेंद बची है तीन टाइट गेम्स रहे थे इंडिया पाकिस्तान का एक टाइट गेम था याद होगा तो बॉल आउट हुआ था 2007 फिर फाइनल तक पहुंची थी दोनों टीम्स एक गेंद एक रन रविचंद्रन अश्विन बहुत मंदाबाज राउंड द स्टंप्स